और अब बात 2005 में शुरू हुई BLS इंटरनेशनल की। 15,900 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली BLS इंटरनेशनल दुनिया भर में वीजा कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। आज ये कंपनी हमारे रडार पर इसलिए है क्योंकि हाल ही में कंपनी ने तुर्की की कंपनी iData में 100% हिस्सा खरीदने का करार किया है। ये डील कब तक पूरी होगी, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, क्या विस्तार योजनाएं हैं, इन सब पर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम बात करेंगे। इसके अलावा मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसा है, कैसा ग्रोथ आउटलुक पैन आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन सब पर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। और चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के जॉइंट MD शिखर अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे, थैंक यू सो मच हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। सबसे पहले इसी खबर के साथ शुरुआत करते हैं कि ये जो दो दिन पहले ही खबर आई कि आप अक्वायर कर रहे हैं iData को, जो टर्की बेस्ड एक कंपनी है, ज़रा बताइए इस एक्विजिशन के बारे में, कब तक ये पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, फंडिंग कैसे करने वाले हैं? बिल्कुल, तो जैसे आप जानते हैं BLS इंटरनेशनल आज की डेट में 64 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रहा है और 40 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहा है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कंपनी कैसे ग्रो होए, बहुत इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वे में। तो हमने जो 15 साल से BLS इंटरनेशनल चल रही है, जो कैश जनरेट करा है, ज्यादातर तो हमने कैश डिविडेंड की तरह दे दिया शेयर होल्डर्स को, पर बाकी हमने सोचा कि एक्विजिशन से कैसे कंपनी ग्रो कर सकते हैं। तो हमने ये कंपनी आइडेंटिफाई करी iData करके, जो टर्की बेस्ड कंपनी है। ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के साथ काम करती है, जर्मनी, इटली, हाल ही में इन्होंने चेक रिपब्लिक के लिए भी काम लिया है, और 2006 से ये लोग काम कर रहे हैं इन सब कंट्रीज में, टर्की के अंदर काफी CIS कंट्रीज के अंदर इनकी प्रेजेंस है, रशिया में इनकी प्रेजेंस है। तो हमें ये हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, हमने ड्यू डिलिजेंस करी और हमने फाइनल जो शेयर परचेज एग्रीमेंट होता है वो साइन कर चुके हैं इस कंपनी के साथ। अब डिपेंडिंग ऑन द रेगुलेटरी अप्रूवल, जो भी मुझे लगता है जल्दी आ सकते हैं 1-2 महीने के अंदर, तो हम कंप्लीट करेंगे ट्रांजैक्शन। और ये हम ट्रांजैक्शन जो फंड करने की सोच रहे हैं, हमने जो कैश जनरेट करा है इंटरनल अक्रूवल से, उसी को अभी यूटिलाइज करने का प्लान है। मे भी हो सकता है आगे चल के थोड़ी डेट भी लेनी पड़े, बट अभी हमारे पास कैश काफी पड़ा है तो उसी को यूटिलाइज करेंगे इसको एक्विजिशन के लिए। ठीक है, अच्छा अग्रवाल सर, अगर आप मुझे बता सकें इस एक्विजिशन से आप ग्रोथ कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार का रेवेन्यू जनरेशन इवेंचुअली यहाँ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, तो जैसे आप जानते हैं iData जो है ये लास्ट ईयर 2022 में, यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो होता है टर्की में, तो 2022 में इन्होंने अराउंड 200 करोड़ का रेवेन्यू और 100 करोड़ का EBITDA करा था, और ऑलरेडी 23 में हमें ग्रोथ दिख रही है इस कंपनी के अंदर। तो हमें लगता है आने वाले कुछ सालों में इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। हमारे काफी सारे रीजन्स में, कॉमन कंट्रीज में ऑफिसेज भी हैं, कई नई कंट्रीज भी हमारी ऐड होंगी जहां पर हमारी प्रेजेंस नहीं थी, 7-8 नई कंट्रीज में हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। बट जहां जहां हमारे सिमिलर ऑपरेशन है सिमिलर कंट्रीज में, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कहां कहां रीअलाइनमेंट पॉसिबल है, कॉस्ट कैसे कम हो सकती है दोनों कंपनियों की, प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है। आप देखेंगे इस कंपनी नीश प्लेयर है, इसका मार्जिन काफी अच्छा है, तो हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा इस कंपनी से कैसे अच्छे मुनाफे पे काम कर रही है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा भी मार्जिन आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है। ओके, हमने ये देखा है कि आप M&A मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के माध्यम से ग्रोथ आप देखते हैं, और आपने इस बात का जिक्र भी किया कि आप हर पॉसिबल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। कोई ऐसी ज्योग्राफीज है अपार्ट फ्रॉम iData, अब क्या इस साल इस वित्त वर्ष में और भी कोई M&A अपॉर्चुनिटीज है जो आपने आइडेंटिफाई की है या जिस पर अभी काम जारी है? देखिए, जैसे हमने पहली एक्विजिशन करी थी स्टारफिन, वो काफी छोटी एक्विजिशन थी, 20 से 25 करोड़ की एक्विजिशन थी, हमने 4-5 साल पहले करी थी। फिर हमने लास्ट ईयर एक कंपनी एक्वायर करी जीरो मास, जो अराउंड 150 करोड़ की एक्विजिशन थी। अब ये एक्विजिशन हमने जो करी है, आई थिंक आज तक की सबसे बड़ी एक्विजिशन है BLS इंटरनेशनल के लिए, 450 कुछ करोड़ की एक्विजिशन है। उसके अलावा भी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव हम आगे ग्रोथ के लिए दे सकते हैं इस कंपनी को बड़ा करने के लिए। तो हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीजें देख रहे हैं। अभी हम लोग काफी कॉन्शियस और कंजर्वेटिव चलना चाहते हैं, पहले ये कंपनी एक्वायर करके इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को ढंग से इंटैक्ट करके बढ़ाना चाहते हैं। पर हम लोग एट द सेम टाइम बाकी और भी कंपनीज देखते रहते हैं, वीजा आउटसोर्सिंग में, गवर्नेंस के अंदर, जो हम लोग आगे जाकर एक्वायर कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं हम अपनी सब्सिडरी ई सर्विस को भी लिस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर भी जो पैसा आएगा उसके अंदर से भी हम चाहते हैं कुछ एक्विजिशन करें।
ओके, इनफैक्ट मेरा वो सवाल उसको लेके उसके आईपीओ को था भी, थोड़ा सा और भी मेरे पास सवाल है जो मैं आपसे आगे लेटर ऑन इन द इंटरव्यू पूछूंगी, लेकिन मुझे अभी ज़रा बताइए कि मौजूदा वीज़ा वॉल्यूम्स कैसे हैं। चाइना हम देख रहे हैं बहुत एनकरेजिंग आर्थिक आंकड़े तो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही लग रहा है कि थोड़ा गति पकड़ने की कोशिश है। टूरिज्म को भी लेके किस तरह के वीज़ा एप्लीकेशन वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है प्री कोविड लेवल्स यहाँ पार हो चुके हैं? देखिए, प्री कोविड वॉल्यूम तो अभी पार नहीं हुई है क्योंकि रशिया अभी तक खुला नहीं है पूरी तरह। चाइना में काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है, नंबर्स काफी हाई हो गए हैं 2019 के लेवल पे, अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंचे बट उसके काफी करीब हैं। पर अगर आप देखें हमारे पहले दो क्वार्टर्स के नंबर, उसके बावजूद भी हाईएस्ट हैं आज तक। और सेम बात इस कंपनी के लिए भी है, इस कंपनी के भी वॉल्यूम अभी तक 2019 लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। तो हमें लगता है कई कंट्रीज में से इंडिया, के अफ्रीकन कंट्रीज में, काफी सारी बाकी कंट्रियों में हमें 2019 लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, कई जगह उनसे भी ज्यादा नंबर आ चुके हैं। बट जो मेजर वॉल्यूम कंट्रीज होती थी जैसे रशिया हो गई या चाइना, उसमें अभी तक फुली हम प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है आगे जो ग्रोथ आएगी, एक तो एग्जिस्टिंग कंट्रीज जो हमारी खुल चुकी हैं पूरी तरह, उसमें भी वॉल्यूम बढ़ रही है, और अगर ये कंट्रीज फुली वापस आ जाती हैं तो हमें दोनों कंपनीज में ही, बीएलएस इंटरनेशनल और आई डाटा दोनों में ही फायदा मिलेगा। ओके, मैं जस्ट आई वांटेड टू नो फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी चल रहे हैं, पहला रशिया यूक्रेन तो था ही, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं रेड सी और ईरान और मिडल ईस्ट को लेके, इससे आपके बिजनेस को किसी प्रकार की दिक्कतें या कुछ अलग से आपको प्लानिंग करने पड़े, ऐसा कुछ दिख रहा है अग्रवाल जी? देखिए, हम लोग पहले 64 कंट्रीज में काम करते थे, इस कंपनी के एक्विजिशन के बाद हम 70 से ज्यादा कंट्रीज में हो गए हैं। तो हम लोग एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अलग अलग रीजन्स में काम करते हैं, और दुनिया में कहीं किसी कोने में कुछ ना कुछ हमेशा होता रहेगा अगले 5 साल 10 साल। तो हम लोगों की जो बिजनेस है वो आई थिंक इतना अफेक्ट नहीं करता है। हमारी एप्लीकेशन काउंट बढ़ ही रहा है, हमारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि टूरिज्म और ट्रैवल जो ग्लोबली देखते हैं हम कि वर्ल्ड ओवर बढ़ ही रहा है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लोग डेवलप कर रहे हैं, ज्यादा एयरलाइंस आ रही हैं, प्लेन्स और बढ़ रहे हैं, होटल्स और बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है इन सबसे चीजों से टूरिज्म पे और बढ़ावा मिलेगा। अग्रवाल सर, आपने जिक्र किया था वीजा आउटसोर्सिंग का सेगमेंट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्ट विंस गोइंग फॉरवर्ड क्या हम देख सकते हैं? देखिए, हम लोग जो चाहते हैं कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल, हमने 16 साल की मेहनत से जिस मुकाम पे पहुंची है, हमें लगता है कि अब सारी फॉरेन गवर्नमेंट्स और वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स अब सीरियसली हम पे देख रही हैं, हमें बड़े बड़े टेंडर्स मिल रहे हैं। अगर आप देखें लास्ट 1.5 साल के अंदर हमने जर्मनी गवर्नमेंट, इटली, हंगरी, स्लोवाकिया का ग्लोबल टेंडर भी जीता है। Correct. और अगर आप देखें जो एक्विजिशन है, ये एक तो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी तो ऐड ही होगा, पर बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन भी है हमारे लिए, इसलिए है क्योंकि ये कंपनी 2006 से जर्मनी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, बहुत रीजन्स के अंदर, टर्की जैसी डिफिकल्ट टेरिटरीज में काम कर रही है जहाँ नंबर्स बहुत हाई हैं, इटली गवर्नमेंट के लिए 2006 से काम कर रही है। तो काफी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होती है इन सब गवर्नमेंट की भी। तो हमें लगता है कि ये एक्वायर करने की हमें जो प्रोसेस, नो हाउ और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आगे टेंडर हम बात करें 1-1.5 साल के अंदर जो चल रहे हैं और आने वाले टेंडर्स भी हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स के, यूरोपियन गवर्नमेंट्स के, हमें इस कंपनी को लेने से भी काफी फायदा मिलेगा। हमें तरीके पता लगेंगे, टेक्नोलॉजी थोड़ी हमें आइडिया लगेगा क्या ये लोग यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन 2006 से कैसे कर रहे हैं। और उसके अलावा भी हम लोग जो अभी टेंडर्स लास्ट 1-1.5 साल में जीते हैं, उसके अलावा जो हम क्वालिफाई कर चुके सारे टेंडर में, तो हमें लगता है जो 1-1.5 साल में $1.5 बिलियन की अपॉर्चुनिटी चल रही है, थोड़े बहुत टेंडर्स फाइनल हो गए हैं, मिल भी चुके हैं, और आने वाले हमें लगता है हमें काफी मार्केट शेयर मिल सकता है। कोई रिन्यूअल्स है इस साल के लिए जो देखने को मिलेंगे? हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो जैसे स्पेन गवर्नमेंट का हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दोबारा जीत लिया था लास्ट ईयर में, इंक्रीज सर्विस चार्ज पे नई कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन भी ऐड हो गई है, तो हमारा रेवेन्यू उस कॉन्ट्रैक्ट से और बढ़ेगा। हमें अपने इंडियन एम्बेसी इन कनाडा का भी कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिला है, अभी जैसे लास्ट मंथ नवंबर या दिसंबर में ही हमने अनाउंस करा था जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू हो गया है अगले सालों के लिए। तो हमें काफी अच्छी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है दोबारा मिल रहे हैं। उसके अलावा काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं यूरोपियन इंडस्ट्री के अंदर, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के अंदर और अलग अलग एशियन मार्केट के अंदर भी। तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हमारी जो प्रेजेंस भी अब बढ़ चुकी है, सीआईएस कंट्रीज में हमारी कम प्रेजेंस थी, इस कंपनी को खरीदने के बाद भी प्रेजेंस वहां भी बढ़ गई है और स्ट्रांग हो गई है। तो हमें लगता है कि हमें अब नेटवर्क हमारा काफी अच्छा हो गया है, तो
कि सब गवर्नमेंट्स का भी वो अच्छा मार्केट शेयर मिल सकता है। ओके मिस्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से कंपनी के आगे की योजनाओं के बारे में दर्शकों को बताने के लिए। इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।